बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से मुस्लिम बहुल इलाके सीमांचल की राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। नीतीश कुमार के अलग होने के बाद केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल से ही बीजेपी के मिशन बिहार का आगाज किया था, तो उसी मैदान में नीतीश तेजस्वी ने भी महागठबंधन की रैली पूर्णिया में करके अपनी ताकत दिखाई थी। वहीं अब अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी यहां पहुंच रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की इस यात्रा ने अब बिहार की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, क्यों सीमांचल अधिकार पद यात्रा पर निकले हैं ओवैसी? दूसरा सवाल कि क्या है ओवैसी फैक्टर? तीसरा सवाल कि ओवैसी की एंट्री से विरोधी क्यों परेशान हो गए हैं? असदुद्दीन ओवैसी 18 और 19 मार्च को सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज जिले में सीमांचल अधिकार पद यात्रा करेंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल में पद यात्रा करने के साथ साथ अमूर और किशनगंज में जनसभा भी करेंगे। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि सीमांचल अधिकार पद यात्रा पर ओवैसी क्यों निकल पड़े। बिहार में सियासी बदलाव और AIMIM के 5 में से 4 विधायक RJD में जाने के बाद ओवैसी के लिए सूबे में अपनी सियासी जमीन को बचाए रखना अब एक चुनौती हो गई है। 2020 विधानसभा में ओवैसी की पार्टी को सीमांचल इलाके की सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में ओवैसी का बिहार में सारा सियासी दारोमदार मुस्लिम बहुल सीमांचल पर ही टिका हुआ है, जिसे बचाए रखने के लिए वो मैदान में उतर रहे हैं। AIMIM नेता आदिल हसन ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीमांचल की मुकद्दस सरजमी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का 3 दिवसीय दौरा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज 17 तारीख को आ रहे हैं सीमांचल। किशनगंज आएंगे, किशनगंज से पहले पोठिया, दामनबाड़ी, रतुआ जाएंगे, उसके बाद वो किशनगंज पहुंचेंगे। किशनगंज के बाद कल यानी 18 तारीख को बायसी जाएंगे, डगरवा जाएंगे, अमोर जाएंगे, फिर कोचा दामन में एक सभा है, पदयात्रा है खाड़ी पुल के पास, बायसी में कार्यकर्ताओं से मीटिंग है, बलरामपुर में कार्यकर्ताओं से मीटिंग है, उसके बाद वो रात में जोखी जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं से मीटिंग है। उसके 19 तारीख को बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में, पहुआखाली में, पोठिया में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रहेंगे। ये 3 दिवसीय दौरा है, सीमांचल अधिकार यात्रा है। सीमांचल के साथ जो नीतीश सरकार और केंद्र सरकार ने नाइंसाफी के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उलीमान साहब की क्यादत में एक लड़ाई है, एक जद्दोजहद रहेगी हमारी। हमारी मांग धारा 371 सीमांचल स्पेशल स्टेटस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाढ़ से निजात और पूर्णिया एयरपोर्ट, हाईकोर्ट बेंच और सीमांचल को खुसूसी दर्जा का है। हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम इस केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, जिसने भी सीमांचल के साथ नाइंसाफी आजादी के 75 साल हो गए किया है, हम उसका जवाब जनता के साथ इनसे पूछ रहे हैं कि आखिर सीमांचल को इन्होंने क्या दिया। सिर्फ हम टैक्स देने के लिए रहे, हम डबल टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा पलायन हमारे यहाँ से, लेकिन हमारे यहाँ खुशहाली नहीं, हमारे यहाँ एम्स जैसा हॉस्पिटल नहीं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज नहीं, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं। आखिर हम कब तक पटना में सिर्फ चमकेगा, नालंदा चमकेगा, मधेपुरा चमकेगा, सीमांचल कब चमकेगा? हमारी लड़ाई सीमांचल की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्यादत में हम नाव से भी जाएंगे, पदयात्रा भी करेंगे, गाड़ी से भी काफिला रहेगा, कलकत्ता से ही मिलेंगे, लोगों से ही मिलेंगे। ये लड़ाई सीमांचल की है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ अख्तर उलीमान साहब और तमाम बिहार के MIM के लोग, सीमांचल के लोग, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के लोग उनके साथ रहेंगे, जो इस जद्दोजहद में हमारे साथ हैं। बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये ओवैसी फैक्टर है क्या? बिहार में राजनीतिक बदलाव के बाद बीजेपी अपने खुद के दम पर खड़ा होना चाहती है, जिसके लिए केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल के पूर्णिया में रैली करके हुंकार भरी थी। सीमांचल के किशनगंज लोकसभा सीट से एक समय बीजेपी के शहनवाज हुसैन भी सांसद रह चुके और अब बिहार में वो काफी सक्रिय भी हैं। ओवैसी दोबारा से सीमांचल में फिर सक्रिय हैं, तो बीजेपी की नजर भी इसी इलाके पर है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि ओवैसी के मैदान में कूदने से सबसे ज्यादा टेंशन महागठबंधन की बढ़ जाती है। हाल ही में हुए गोपालगंज और कुंडी विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में AIMIM ने महागठबंधन का सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया था। उपचुनाव में AIMIM मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने में सफल रही थी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था और उसने दोनों सीटों पर यहां जीत दर्ज की थी। ओवैसी की एंट्री से विरोधी क्यों परेशान है?
असदुद्दीन ओवैसी 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमांचल पर फोकस करने का प्लान बना रहे हैं, जिसके तहत वो पूर्णिया और किशनगंज में पदयात्रा करने के साथ साथ जनसभा भी करेंगे। ओवैसी का कदम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि महागठबंधन का सियासी आधार भी सीमांचल में मुस्लिम वोटों पर टिका हुआ है। वहीं ओवैसी की सियासी वजूद बिहार में मुस्लिमों पर ही निर्भर करता है और 2020 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों के दम पर ही वो जीत सके थे, लेकिन 2024 में 2020 की तरह नतीजे दोहराने की चुनौती खड़ी हो गई। पर टेंशन सिर्फ महागठबंधन में नहीं है, बीजेपी भी ओवैसी की एंट्री से बौखलाई हुई है। जो आरोप लगाने वाले राजनीतिक दल हैं, वो हताशा में हैं। ओवैसी जी की अपनी पार्टी है, वो दौरा करते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई ना लेना देना है, न हमें कोई टिप्पणी करनी है, लेकिन ओवैसी जी जिस प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं, उससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। उनका जो बहुत आक्रामक ढंग से जिस प्रकार से बातों को रखते हैं, यहाँ तो सर्वधर्म संभाव का यह देश है और हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। आपने देखा भी होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमें लगातार समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन जो भी दल इस तरह के आरोप लगाते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनकी एक राजनीतिक हताशा है। एक्चुअली उनकी चिंता अब कहीं और है, वो उनके बिहार की चिंता नहीं है, इसलिए इस प्रकार का उलझुल बयान देकर अपनी बात को रखते हैं, लेकिन इसे कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो तय है वो ये कि ओवैसी के सीमांचल दौरे से अब विरोधियों की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं। तो अब आगे क्या होता है, ओवैसी की एंट्री से किसका खेल बिगड़ता है और सीमांचल का सियासी मिजाज क्या रुख लेता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।